हेलो एवरीवन, CUET PG के अंतर्गत जो है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए रहेगी। जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, वो चाहते थे कि हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, तो लास्ट तक ये वीडियो देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर डायरेक्ट एंड ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, अभी आपको अपडेट्स मिलते रहेगा। तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर ओपन काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। जैसे आपके MA योगा हो गया, MA जर्नलिज्म हो गया, मास्टर्स इन एजुकेशन हो गया, MA इंग्लिश हो गया, MA संस्कृत हो गया, MSc मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, और भी प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर जो है काउंसलिंग चल रहा है, ठीक है, ओपन काउंसलिंग स्पेशली। तो आप जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, आपका अगर एडमिशन नहीं हुआ हो, तो ज़रूर इससे एक बार इस वेबसाइट को विजिट करेंगे और जो भी आपका प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग जो भी आपके रजिस्ट्रेशन का दिया है, ज़रूर जाके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लास्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपके EFLU है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की, तो सेकंड राउंड का यहाँ पर एडमिशन हो रहा है। वैकेंट सीट जो भी रह गई थी फर्स्ट काउंसलिंग के बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पर दो कैंपसेस के लिए आपके जो है रजिस्ट्रेशन चल रहा है, एक आपके हैदराबाद और जो है आपके शिलोंग एंड लखनऊ के लिए, ठीक है। तो आज ही लास्ट डेट है इसका, तो जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पर रन करते हो आप ज़रूर से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी क्योंकि आज ही लास्ट डेट है, तो आपका कल से पोर्टल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें ओपन काउंसलिंग का अपडेट आ चुका है और अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनके भी अभी भी एडमिशन नहीं हुए हों किसी कारणवश, ठीक है। और भी अपडेट्स के लिए हम जो है आपको इसी चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके अभी भी एडमिशन नहीं हुए हैं। जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।